हिमकोटी के रास्ते पे हम चल रहे हैं और ऊपर देखो अच्छा खासा फॉग हो चुका है। अगर वैष्णो देवी आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे भीड़ बहुत है। दो सुपर हीरो ने घोड़े पे नहीं बैठा, प्रेम पे नहीं बैठा। अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए इलेक्ट्रिक कार्स भी चलती हैं। तो अब बैठ गए हैं घोड़ी पर और आप चले। सपने में जगदम्बा ने अपना द्वार दिखाया है, आज तो रुकना मुश्किल है। Hey guys, welcome to my channel. तो आज है फ्राइडे, हम निकल रहे हैं वैष्णो देवी के लिए। सबने ऑफिस की छुट्टी ले ली है, ऑलमोस्ट सब रेडी हो गए हैं। तो हम जा रहे हैं बहन जीजू, मैं, मेरी वाइफ और मेरा भाई, और साथ में जा रहे हैं सब बच्चे। दिखाते हैं वैष्णो देवी के अभी क्या हाल चल रहे हैं। तो आज तारीख है 23 अगस्त और थोड़ा बारिश का भी सीजन है, तो आपको पूरा दिखाएंगे कि वहाँ बारिश का क्या है हाल चाल। ये देखो गाइस, वैष्णो देवी निकलने के लिए बस जा ही रहे थे ये भाई शिवाय शर्मा, रोड पे फालतू का भाग रहे थे और अपने दोनों घुटने, दोनों कोन और दोनों हथेली पे अच्छे से स्क्रैच लगवा लिया। तो फाइनली गाइस निकल चुके हैं, भाई हमें छोड़ देगा और गाड़ी लेके वापस आ जाएगा। पुरानी दिल्ली से है हमारी गाड़ी, तो हम 7 सीटर में 8 लोग बैठे हुए हैं अच्छे से दब के। आगे 3 लोग बैठे हुए हैं, 2 बालक और 1 उनकी मदर। जीजा जी गाड़ी चला रहे हैं। तो जीजा जी एक्साइटेड है? यस। क्यों शिवाय, शिवाय आप एक्साइटेड हो? शिवाय बोलो माता रानी की जय। सिमी आप भी एक्साइटेड हो? तो आ गए हैं हम दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पे और सब सामान वामान ले आए हैं। अब बस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आने का वेट कर रहे हैं, फिर चलेंगे। और हमारी गाड़ी आएगी दुरंतो एक्सप्रेस है, जो कि प्लेटफॉर्म D2 से जाएगी। आ गए हैं हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर। तो वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है और जाएंगे होटल में चेक इन करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर जाएंगे दर्शन के लिए। फिलहाल ऑटो में बैठ गए भाई। ऑटो में 5-6 लोग फिट हो चुके हैं, होटल तक पहुंचना है। काफी थक गए हैं, थोड़ा जाएंगे फ्रेश होंगे, खाना खाएंगे, फिर चढ़ाई करेंगे। तो गाइस आ गए हैं दुर्गा भवन। तो कुछ इस तरह से है, रूम 6 बेड दे रखे हैं यहाँ पर और 2 वॉशरूम्स है। ठीक ठाक साफ सुथरा रूम है। तुम्हारे एक रिलेटिव है, उन्होंने हमें दिलवाया, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। अब चल रही है पहले चाय। तो सुबह से चाय नहीं पी थी और 10 बज चुके हैं। नाश्ते का ऊपर ही कहीं देखेंगे कुछ। तो हमने नाश्ता वास्ता भी कर लिया और अब हम दर्शन के लिए निकल रहे हैं। बाहर ऑटो खड़ा है, बस ऑटो में बैठेंगे, दर्शन पर्ची लेंगे और बाण गंगा की तरफ के लिए ऑटो पकड़ लेंगे। बोलो आप भी जा रहे हो? जय माता दी। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो ये हमें RFID दे दिया है। यहाँ पे पीछे यात्रा पर्ची मिलती है, वो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था। अब बस चढ़ाई शुरू करते हैं और होपफुली शाम तक या रात तक दर्शन हो जाएंगे। ये रहा पोलू, ये रहे दोनों शैतानी बच्चे। वो दीदी अपना RFID रजिस्ट्रेशन करा रही है और चलते हैं अब। चलो चलो अब हम लोग यहाँ से। तो गाइस हेलो, तो हम लग चुके हैं लाइन में और ये बस एंट्रेंस है आगे। ये लाइन क्यों है ये नहीं पता। ये लाइन आई थिंक आगे थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उस वजह से चेकिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। मौसम तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, धूप हो रही है बट ऐसी गर्मी नहीं लग रही। बाकी हमें उधर जाना है तो वहाँ लगता है थोड़ी बारिश वारिश हो रही होगी। तो भैया बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, घंटा भर लग जाएगा। और ये यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसलिए काफ़ी टाइम लग रहा है, बट हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में हो जाएगा सब पूरा। तो अब बैठ गए हैं घोड़ी पर और आप चले चलो। अब इसे प्रेम में फिट कर देंगे और हम अपना भाग लेंगे यहाँ से। जय श्री राम, जय हो, आ जाओ। चलो व्लॉग में आ गए शिवाय, चल तू चलता जा, मैं इधर व्लॉग बनाऊं थोड़ा सा। देखो हमारा शिवाय कितना पावरफुल है, पैदल पैदल कह रहा था मैं भवन तक पहुंच जाऊंगा। बस शिवाय रुक जाओ,
हम पीछे रह जाएंगे नहीं तो। तुमने गलती से पकड़ ली सीढ़ियाँ और थोड़ी सी चढ़ने में ही 50 सीढ़ियाँ हमसे बड़े फूल गए। तो अब आए हैं यहाँ, बीच में हॉल्ट लिया है, कॉफी पी रहे हैं, पानी वानी ठंडा। ये देखो सनी देओल थक गए हैं, ये थोड़े पसीने पसीने हो चुके हैं, हालत खस्ता हो गई है। बेटा पानी दे दे एक आध दूध। हाँ तो आ गए काफी ऊंचाई पर, फॉग हो रहा पहाड़ पर और अभी थोड़ा और ऊपर जाना है। तो अभी फिर हमने शॉर्टकट लिया, थोड़ी स्टेज पकड़ ली। मेरा सुपर हीरो चल रहा है, दो सुपर हीरो ने घोड़े पे नहीं बैठा, प्रेम पे नहीं बैठा, इसने कहा मैं आपके साथ चलूंगा पैदल पैदल। सिर्फ 4.5 साल का बच्चा। तो क्या हसी मौसम हो गया, बढ़िया व्यू, पहाड़ ढका हुआ फॉग से और गर्मी है, ठंडी हवा चल रही है बट बारिश नहीं है, ये अच्छा है। तो गाइस देखो, अर्धकुंवारी आके आपके पास दो रास्ते होते हैं, हेमकोटी का और हाथीमथा। हाथीमथा पे घोड़े पालकी वालों की भीड़ रहती है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हेमकोटी से जाएं। यहाँ पे आपको घोड़े खच्चर कुछ नहीं दिखेंगे और 1 किलोमीटर आपका बच भी जाएगा और रास्ता नया बना है तो आप आराम से पहुँच जाएंगे। चलो तो देखो भाई, ये अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए इलेक्ट्रिक कार्स भी चलती हैं, तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे बुक हो सकती है। तो 450 है इसका पर पर्सन कॉस्ट, साथ में 1-5 साल तक का बच्चा लेके जा सकते हैं। ऑनलाइन करना ही मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि ऑफलाइन बहुत लाइन लग जाती है और मुश्किलें मिल पाती है। तो आप अगर आ रहे हैं तो ऑनलाइन ही करा के आए, 48 आवर्स पहले भी हो जाती है। ये है इसका बैटरी का टिकट्स का काउंटर, तो यहाँ पे आपने ऑनलाइन अगर बुक करिए ना, टोकन दिखा के आपको गाड़ी में बिठा देंगे, अदरवाइज आपको ऑफलाइन के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। ये देखो ऑफलाइन के लिए इस तरह कैसे लाइन लग जाती है रोज सुबह 6 बजे से। तो ये देखो गाइस, हिमकोटी के रास्ते पे हम चल रहे हैं और इस रास्ते पे फॉग स्टार्ट हो गया और ऊपर देखो अच्छा खासा फॉग हो चुका है, हल्का बहुत मौसम ठंडा हो गया। और यहाँ से अभी रह जाता है भवन 5 किलोमीटर, शाम के बज चुके हैं 7, तो शायद और 2 घंटे हमें लग जाएंगे, 1-1.5 घंटा मुश्किल से, 8:30-9 बजे हम पहुँच जाएंगे। तो कड़ी चावल और राजमा चावल ले लिए, ये श्राइन बोर्ड की तरफ से है एक रेस्टोरेंट जो कि पड़ता है हमसे 1-2 किलोमीटर पहले। सत्य अभी टाइम हो गया है 7:45 हो गए। भवन हमें दिख गया यहाँ से, अब यहाँ से बस 0.5 किलोमीटर कुछ रह गया, बस इतना ये पैच हमें क्रॉस करना और वहाँ पे है भवन। रात के बज चुके हैं 9, तो गाइस 6.25 घंटे चलने के बाद पहुँच ही गए। तो ये है श्री माता वैष्णो देवी भवन, हालांकि मंदिर जो है इसके बैक साइड पे पड़ता है, वो ऊपर से है मंदिर का रास्ता, स्काई वॉक से चलते हुए जाते हैं और उधर पीछे भवन है, तो यहाँ से जाते हैं। मंदिर जो है 24 घंटे खुला रहता है। तो गाइस फाइनली नहा धो लिया, देखो चेंज वेंज कर लिया और अब पीछे दर्शन की लाइन में लगने वाले हैं, तो यहाँ पे VIP एंट्री का है तो जुगाड़ कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मिल जाए नहीं तो पीछे जाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस दर्शन वर्शन हो गए और अभी हम आ गए हैं नत्थूस की, थोड़ा डिनर करेंगे और फिर जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। 1:21 हो चुके हैं, बढ़िया दर्शन हो गए, भीड़ बिल्कुल कम थी ना के बराबर। तो भाइयों आ गए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, 2 घंटे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे और आके अब बैठे हैं। मंदिर वैसे खाली पड़ा हुआ तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे, बस दर्शन करेंगे और घर के लिए निकलेंगे। और रात के बज गए हैं 3, तो भैरव बाबा से उतर के आ चुके हैं और अब भवन के पास पहुंच गए हैं। तो अब उतर आए हैं, वापस आ गए हैं अर्धकुंवारी और देखो अच्छा खासा दिन निकल चुका है और घड़ी में बज गए हैं 6, बहुत टाइम लग गया हमें, ऑलमोस्ट 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं।
देखो भाई कितनी भीड़ है। हम तो दर्शन करके आ चुके हैं, कैमरा लेने आया था, कैमरा इन्होंने जमा करवा लिया था। तो अब चलते हैं अपने होटल, नहाएंगे धोएंगे चेंज करेंगे आराम करेंगे। रात की हमारी वापसी की ट्रेन। हम आए हैं कन्हैया लाल कुलचे वाले पे कटरा में और हमने मंगाई है में तो काफी कलाड़ी कुलचा। तो ये पनीर का बना होता दोस्तों। अब हमारा निकलने का टाइम। तो ये थी वो धर्मशाला कम होटल। तो यहाँ पे रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी अच्छे रेट पे हमें मिल गया था। तो अब बच गए हैं रात के 9 और हम लेते हैं आपसे विदा। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं श्री वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। तो ये है वैष्णो देवी का रेलवे स्टेशन। अब पहुँच गए हैं नई दिल्ली और घर के लिए पकड़ लिया कैब। अब पहुँच जाएंगे घर बस थोड़ी देर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे बिल्कुल एक नए व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय और जय माता दी।